खत्म हुआ इंतजार, लौट रहे हैं शाहरुख खान, लौट रहा है बॉलीवुड का वो बादशाह जिसके इंतजार में फैंस पलकें बिछाए बैठे थे। भाई आखिरकार एक फिल्म के ट्रेलर में शाहरुख खान की झलक नजर आ गई। फिल्म का नाम है रॉकेट्री। फिल्म को लिखा है आर माधवन ने, डायरेक्ट किया है आर माधवन ने और फिल्म में मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आर माधवन। फिल्म के बारे में अभी बात करेंगे, पहले शाहरुख खान की बात कर लेते हैं। भाई शाहरुख खान पिछली बार साल 2018 में फिल्म जीरो में नजर आए थे, उसके बाद से शाहरुख खान की कोई फिल्म नहीं आई। फिल्म पठान की शूटिंग वो कर रहे हैं लेकिन कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। खबर है 100 करोड़ रुपए की मोटी फीस शाहरुख खान ने इसके लिए ली है जो उनसे पहले अब तक किसी भी एक्टर को नहीं दी गई। खैर अब जल्द शाहरुख खान जो हैं रॉकेट्री में नजर आएंगे एक छोटे से किरदार में। इसकी शूटिंग वो पहले ही कर चुके थे कोरोना से पहले लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। फिल्म के ट्रेलर में सबसे पहले झलक शाहरुख खान की दिखती है। माधवन भी जानते होंगे कि शाहरुख का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ट्रेलर में सबसे पहले शाहरुख खान को दिखाया। अब बात फिल्म की करते हैं रॉकेट्री। फिल्म का ट्रेलर बहुत जबरदस्त है। फिल्म के ट्रेलर को तमाम बड़े सितारे पसंद कर रहे हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, उन्होंने ट्वीट किया है, ऋतिक रोशन हो, उन्होंने फिल्म की तारीफ की है और इसे मैडी इफेक्ट बोला है। आर माधवन को प्यार से मैडी कहा जाता है। प्रियंका चोपड़ा ने तारीफ की है। तमाम ऐसे सितारे हैं इनके अलावा भी जिन्हें फिल्म का ट्रेलर खूब पसंद आया है। देखिए फिल्म कहानी है एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन की। उनका संघर्ष इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था और इसके बाद उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी। उस वक्त दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी और उस वक्त ऐसा करके नाम्बी ने बहुत हिम्मत का काम किया। माधवन ने अपनी फिल्म में उनकी इसी हिम्मत को सलाम किया है। उसके बाद पुलिस हिरासत में भी गए, उन पर ज्यादतियां भी हुई जैसा कि फिल्म के ट्रेलर में दिखाया भी गया है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे अपने सम्मान की लड़ाई के लिए और उन्होंने वो लड़ाई जीती। माधवन की ये जो फिल्म है ये थिएटर्स में ही आएगी, हालांकि रिलीज डेट का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है और कहीं ना कहीं शाहरुख खान के होने की वजह से भी ये फिल्म खास हो गई है। लेकिन फिल्म का ट्रेलर अपने आप में बहुत दमदार है। नाम्बी के किरदार में माधवन बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, उन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो नाम्बी नारायणन ही हो। और जिस तरह फिल्म के ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिल रहा है, उम्मीद हम यही करते हैं कि भाई फिल्म भी जब रिलीज होगी तो उसे इसी तरह का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। ABP News आपको रखे आगे।